अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिही वसहबिही अजमई अम्मा बादु फाऊदु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حق मर खुदाए पाकरा पंखे की जरूरत बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं बैठो बड़ा पुरसकून माहौल हमद बेहद मर खुदाए पाकरा आंके ईमान दाद मुश्ते खाकरा हजार बार बशोयम दहन जे मुश्को गुलाब उनूज नाम तू गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन अजीजाने गिरामी कदर मुंतजिम हजरात की बड़ी मेहनत है दीन वास्ते और दीन दी तबलीग वास्ते एक प्लेटफार्म साढ़े इलाके उन्होंने मुहैया किया है कि इस जगह पर बैठ के अल्लाह के दीन की समझ हासिल करो अज जिस कुरान करीम की आया मुबारक का इंतखाब किया है उस दे मुताबिक गुफ्तगु करने की कोशिश करांगा नजरान दे कुछ ईसाई हुजूर दी खिदमत विच हाजिर हुए और उन्होंने जब हाजिरी दिती तो हुजूर ने उन वास्ते मस्जिद के अंदर खैमा लगवाया किस जगह ते लगवाया
मस्जिद के अंदर। सो यह चीज काबिल गौर है। कि फिरकियां ने मसाजिद को अलग अलग किया है, जबकि हुजूर ने मस्जिद को मजाहिब वास्ते भी अलग नहीं किया। फिरका और होता है, मजहब होर होता है, और दीन होर होता है। इस बात को समझ लेना कि फिरका मजहब और दीन ये दे विच थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। फिरकियां दियां अपनियां अपनियां अलग अलग पहचान ने, फिरकियां दी अलग अलग मसाजिद ने, और उन्हां दियां अपनियां अपनियां अंदाज ने। इको गल करांगा कि इस्लाम ने फिरकियां दी नफी कीती और फरमाया वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह दी रस्सी नूं मजबूती नाल थाम लो और तफरकाबाजी ना करो। अजीजों, दुनिया में समझाने वास्ते मिसाल क्रिएट कर रहा ताकि समझ आ जाए कि मैं की कहना चाह रहा। दुनिया उन बंदियां नूं समझ आ जानी है जिहड़े कदी स्कूले गए ने, उन्हां नूं जल्दी समझ आ जाए। दुनिया इंजे जिवें कमरा है, इम्तिहान है। असी सारे इम्तिहान दे रहे हैं। स्कूल दे कमरे में वक्त होंदा है 3 घंटे, साढ़े कोल किसी कोल 30 साल है, किसी कोल 40 साल है, किसी कोल 50 साल है। उत्थे हाथ नाल लिखना होंदा है, इत्थे असी अमल करना है। लिखने की ड्यूटी किसी होर की है। स्कूल विच पेपरां विच असी लिखने आ, इत्थे असी अमल करना है और बोलना है। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैही रकीबुन अतीब। जो लफ्ज़ असी बोलने किरामन कातिबीन यालमून मा तफालून। उन्होंने साडा अमल भी लिखना है, साडा बोलिया भी लिखना है। नीयत नहीं लिखी जाती, दिल के ख्यालात लिखे नहीं जाते, अमल और अल्फाज साडे लिखे जाते जो असी कर। हुण तुसी गल नूं समझना, एक सिर्फ सतर ए दे विच लैण एक जिहदे वास्ते मैं मेहनत करनी है। असल वह सतर ए उत्थे पढ़न वास्ते थोड़ी जी मेहनत करनी है, समझना है। जदों असी स्कूले जाने आ ना पढ़न वास्ते, फिर साडा इम्तिहान होंदा है, तो फिर कतारा होंदियां ने लंबियां, ऐ कतार एक ऐ वे एक ओ वे इत्थे विचले सन। असी भी बैठे होंदे आ, हुण चाहीदा है वे साडे कोल जिहड़ा टाइम है ना, जो सन आउंदा है सन लिखना चाहीदा है। किसान ने आउंदा है, ऐ सवाल है साडे नज़दीक, इहदा जवाब ऐ वे ते सानू ओ लिखना चाहीदा है। ध्यान नाल अपना लिखना चाहीदा कि मेरे पेपर उत्ते की है, क्योंकि मैं फेल ते पास होना है अपने लिखे थे। ते जे मैं अपना छड के ते आखां वे जिहड़ी है नाल वाली कतार है ना, वो सारा गलत पे लिख दे।
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕਤਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕੌਣ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਖਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਕੌਣ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਪੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਦੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤ ਪੇ ਲਿਖਦੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸਹੀ ਪਿਆ ਲਿਖਦਾ। ਜੋ ਸਨ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪੇ ਲਿਖਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲਿਖਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਹਰੀਰ ਦਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੇਗਾ। ਉਂਝ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬਾਹਲੇ ਸ਼ੋਖੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਦਾ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੁੱਛੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਤੋ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲਿਖੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਉਵੇਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਤਹਿਰੀਰ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜੋ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਗਲਤ ਪੇ ਲਿਖ ਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾ ਉਹਨੇ ਆ ਗਲਤ ਪੇ ਲਿਖ ਦੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ ਐਡੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਲਿਖੋ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਮੇਰਾ ਵੀ 42 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਆਪ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਗਾਹ 'ਚ ਮਗਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਤਵੀਲ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਆਖਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਔਰ ਨਹੀਂ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕੁਝ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਰੇ ਜਿੰਦਗੀ ਡਿਊਟੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੌਕ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਸ ਨਮਾਜ਼ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਗਰਬ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਰ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਬਈ ਹੱਥ ਬੰਨਣੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡਣੇ ਨੇ, ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਾ? ਇਸ ਝਗੜੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਬੰਨਣੇ ਨੇ ਕਿ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇਹ ਝਗੜਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਛੱਡਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਬੰਨਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਝਗੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
بات نہیں سمجھ ساتھیو رضی دو پہلے دیندار تے بنو ایمان والے بنو اور رسول اللہ دے دین تے جتنا ہو سکے چلن دی کوشش کرو تھوڑا جہا اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو چھتی جھوٹے بندے لڑ دے نے سچیاں دا ہتھیار دلیل ہوندی ہے سچے بندے دا ہتھیار دلیل ہے جدوں دلیل نال مقابلہ انہاں کولوں حضور نال نہ ہویا عیسائی آئے حضور نے فرمایا مسجد دے اندر انہاں دا خیمہ لا دیو ایتھے رہن اور حکم دیتا بھائی جویں تہاڈا دل کردا ہے اونج عبادت کرو وہ کر لگ پے آؤ کیویں آئے ہو پھر پوچھی دا ہے نا پرانے کیویں آئے ہو انہاں آخیا بھی تہاڈے نال گل کرنی ہے سرکار فرمایا کرو انہاں فرمایا بھی تسی اللہ دے بارے عقیدہ رکھ دیو لم یلد ولم یولد کہ نہ وہ پتر ہے نہ وہ کوئی باپ ہے اسی تے حضرت عیسیٰ نو اللہ دا بیٹا منیا تو آپ نے فرمایا تو تہاڈا عقیدہ غلط ہے اللہ دا بیٹا کوئی نہیں قل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین اگر اللہ دا بیٹا ہوندا اللہ فرمایا سنیا تسی آکھو اگر اللہ دا بیٹا ہوندا تے اودوں سب تو پہلے سجدہ میں محمد مصطفیٰ کرنا کیونکہ اللہ لائق عبادت ہے او دا پتر ہوندا تے اس بھی لائق عبادت ہونا ایک ادے تے ایک جملہ یاد آ گیا وہ عرض کر کے پھر اگے چلنا سید مہر علی شاہ صاحب تو کسے پوچھیا کہ تسی سید آندے ہو ساڈے نال عقیدت تے محبت رکھیا کرو اسی رسول اللہ دی آل ہاں دی دلیل کی ہے تو آپ نے یہ آیت پڑھی قل ان کان للرحمن ولد انا اول العابدین اگر اللہ دا بیٹا ہوندا تے اونوں سب تو پہلے سجدہ حضور کر دے تو چونکہ وہ اللہ ہے عبادت او دا حق ہے او دا پتر ہوندا تے حق عبادت دا او دے پتر نوں ہی ملنا سی ایویں محبت رسول اللہ دا حق ہے جڑے رسول اللہ دے پتر نے انہاں نال محبت حق ہے انہاں دا کہ انہاں نال محبت کیتی جائے اے سید مہر علی شاہ صاحب نے دلیل دی قرآن پاک تو بہت بڑے علم عالم سن علم دا بحر زخار نے پیر سید مہر علی شاہ صاحب علم دا امڈتا ہویا سمندر تو علم ڈگریاں تو ظاہر نہیں ہوندا بندہ بولے تے آپے پتہ لگ جاندا ہے کنے کو گہرے پانی آ رہے آپ نے فرمایا کہ اگر اللہ دا بیٹا ہوندا تے اسی عبادت کرنی اللہ دا بیٹا کوئی نہیں انہوں نے پھر دلیل دیتی کہ حضرت عیسیٰ دے والد کوئی نہیں حضرت عیسیٰ دے والد کوئی نہیں اگر انہوں دے والد کوئی نہیں تو پھر وہ اللہ دے بیٹے نہیں حضور سرکار مسکرا پہ اور فرمایا حضرت عیسیٰ دے تے صرف والد کوئی نہیں حضرت آدم دی والدہ بھی کوئی نہیں پھر ایک بیٹا تے نہ ہویا پھر حضرت اللہ پاک دے پھر تے اور بیٹے بھی ہونے چاہیے اگر اس دلیل نال ہی بیٹے بنانے تے پھر انہاں کولوں جدوں مناظرہ نہ ہویا مناظرہ نہ ہویا انہاں آخیا ہن تسی ساڈے نال مباہلہ کر لو مباہلہ کی ہوندا ہے مباہلہ ہوندا ہے کہ دو گروہ میدان وچ کھلو اللہ دی بارگاہ وچ دعا کرن کہ جڑا جھوٹا ہے وہ ہلاک ہو جائے تو جس وقت انہوں نے یہ گل کی تھی تو اللہ نے فوراً قرآن نازل فرمایا محبوب ہن چپ نہ کریا جائے فقل تعالوا انہوں نے فرماؤ آ جاؤ تعالوا لیکن کلیا نہیں ندعو اپنا انا ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے وَأَبْنَاءَكُمْ
तुम अपने बेटों को भी साथ लाना। वनिसा आना, हम अपनी औरतों को लाएंगे। वनिसा आकुम, तुम अपनी औरतों को लाना। अनफुसना, हम अपनी जानों को लाएंगे। अनफुसकुम, और तुम अपनी जानों को लाना। सुम्मा नब्तहिल, फिर मुबाहला करेंगे। आ जाओ, वक्त मुकर्रर हो गया, टाइम मुकर्रर हो गया, वक्त बन गया। जब वक्त मुकर्रर हो गया, टाइम बन गया, तो टाइम उते मेरे नबी करीम अलैहि सलातो वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि फातिमा मेरे बेटे तैयार करो। अच्छा भाई, इत्थे एक बड़ा खूबसूरत ख्याल है, इसनू अपने ज़हन दे खाने में बिठा लो कि कुरान करीम के अंदर एक आयत मौजूद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम, मुहम्मद तुम में से किसी मर्द के भी बाप नहीं। तवज्जो है, आयत की है कि मुहम्मद किसे देवी बाप अबा अहद मिन रिजालिकुम। इस कुम ना होती तो बड़ा रोला पै जाना। कुम अरबी ग्रामर में चुंदा है मुजक्कर मुखातब दी जमीर है, जमा मुजक्कर मुखातब दी जमीर है। रिजाले कौम, मा काना मुहम्मद अबा अहद, इत्थो तई आयत यकसर चल रही है कि मुहम्मद किसे मरद देवी बाप नहीं। लेकिन जब कुम आई ना तो फरमाया रिजाले कौम, तो अड़े ही चुकी से मरद ते बाप नहीं। ये मुखातब उम्मत ने, मुखातब साहबा ने फरमाया तो अड़े ही चुकी से मरद ते बाप नहीं। लेकिन जदों कुम आया ना तो अड़े ही चुकी से ते बाप नहीं, फरमाया ओ होर ने ते हसन ते हुसैन तुहाडे ही चुने। ओए हजरत, समझ आई कि ना, ई तुहाडे विचू, ई तुहाडे विचू नहीं, ए मेरे विचू। फरमा अब ना आना, वो भी कुरान दी आयत, ये भी कुरान दी आयत। फरमाया मा काना मुहम्मद अबा अहद मिन रिजालिकुम, तुहाडे ही चू किसे दे बाप नहीं, पर हसन हुसैन दे बाप है। अब ना आना, हम अपने बेटों को लाएंगे। इत्थे फिर थोड़ी जी उलझन सी, तो हुजूर ने इस उलझन दी सुलझन फरमाई। फरमाया अल्लाह मैनू पुत्र नहीं दिते, मेरी सुल विचू, मेरी पुश्ती चू पैदा नहीं कीते, उहदे विच राज है। हजरत इब्राहिम दे बेटे इसहाक नबी होए ने, हजरत इसहाक दे बेटे हजरत याकूब नबी होए ने, हजरत याकूब दे बेटे हजरत यूसुफ नबी होए ने, हजरत दाऊद दे बेटे हजरत सुलेमान नबी होए ने। अजीजा ने मन, हजरत जकरिया दे बेटे हजरत यहया नबी होए ने। सुनिया जे तेरा पुत्र होवे ते नबी ना होवे, ए रब नू फिर वारा नहीं खांदा। कोई ये ना आखे दूजिया ने पुत्र नबी आए, नबी का पुत्र क्यों नबी नहीं, वारा खांदा। सुनिया के पुत्र तेरा होवे ते नबी ना होवे, इस वास्ते मैं पुत्र नहीं देना। ते यार ला नबी बना छड़, नबी बना छड़ दियो हुजूर दे पुत्रां नू, ते फिर की सी। अल्लाह फरमाया और मैं बुआ बंद कर छड़िया, मुहम्मद अरबी तो बाद कोई नबी नहीं हो सकता। नबूवत का दरवाजा बंद है, देने भी नहीं।
पुत्र भी देने ने ते नबी दे पुत्र भी होने ने, लेकिन नबी पिछू नहीं होने, वो इतराज भी ना होवे ते ए भी ना होवे, फिर खालिक ने की हिकमत की थी? मेरे नबी ने इस हिकमत नु खोलिया। हजूर फरमाते ने कि अल्लाह ने मेरी पुश्ती चू मेरे बेटे कड के अली दी पुश्त च रखे। ये रसूलुल्लाह दी हदीस पाक बड़ी मारूफ कि मेरे बेटे अल्लाह ने अली दी पुश्त च रखे। वैसे ये किसे मुफस्सिर ने किसे मुहद्दिस ने इदी शरा नहीं लिखी जो मेरे ज़हन में चाहिए। ये मैं इस तू दस्या है कि किसे ने पसंद आए तो वो रख ले, ना पसंद आए तो छोड़ देवे। लेकिन ये किसे किताब क्यों मैं नहीं पढ़ी, मेरी क्रिएशन, मेरी सोच, मेरे ज़हन में चाहता है कि ऐसी है दुनियादार बंदे हैं ना ये, फिर अल्लाह नबी की पुश्त चू कढ़ के ते जाफर तैयार की पुश्त च नहीं रखे, बिरात वो भी अली दी है। ये हुजूर की पुश्त चू कढ़ के ते हजरत अकील ने पुश्त च नहीं रखे, वो भी ते भाई मौला अली दी है। ये मौला अली की पुश्त च क्यों रखे? तवज्जो है हजरत। तो फिर मेरे पीछे गल आती ऐसी दुनिया साड़ी का कानून है, बस किसी बंदे का ब्लड कटिए ना तो वह अगर हर बंदे नहीं ला छा, पहला डॉक्टर चेक करते कोई वो शह रलती है नहीं, ग्रुप रलता है वो, फिर ग्रुप रलता है फिर भी वह आते नहीं अजे भी पूरा नहीं, फिर इन्हों मैच करो, फिर वो ब्लड इकट्ठा करते ने, फिर मैच करते, फिर मैच होने के बाद फिर वो ब्लड की स्क्रीनिंग होंगी है, मैं ये कोई बीमारी तो नहीं, कोई मसला तो नहीं, इन्ने पास होंगे ने तो फिर वो खून दूजे बंदे मुंतकिल होंगे। इन्नी कोई एहतियात तो असं दुनियादार भी करने, कोई रलता हो लगता है रलदा होवे ते इक चू कढ़ के दूजे च रखना चाहिए। भाई मियां ते जदों रसूलुल्लाह ने पुश्त चू कटे ने तो रखने उत्थे चाहिए है जिहदी कोई शै नबी नाल रलदी होंदी। रखने ते फिर उत्थे आए ना जिहदी कोई शै मेरे नबी सरकार नाल लड़दी। तो फिर वो सरकार ने खुद इसकी वजाहत फरमाया कि मेरा ते अली दा खून एक है। वो फरमाया लाह मुका लाह मी, मेरा ते अली दा गोश्त एक है, दम मुका दम मी, तेरे खून दी मेरे खून नाल मिसल एक के रलदा है, जिस्म का जिस्मी मेरा ते अली दा जिस्म एक है, आना वा अली युग मिन शजरी वाहिदा, मेरा ते अली दा शजरा पिछू एक है, आना वा वो इस ज़ोफ़ ते उलमा ने कलाम फरमाया लेकिन हदीस मानन ठीक है क्या, आना वा अली युग मिन नूरिन वाहिदा, मैं और अली दा पिछू नूर भी एक के, शजरा भी एक के, खून भी एक के, जिस्म भी एक के, जान भी एक के, ताई ते फरमाया कट्टे भी उत्थों ते रखे उत्थे जी फिर रलदे आए। आप और फिर इहदे उत्ते मैं एक मौला अली सरकार का जुमला पेश करा जिसनु अलामा समूदी अली रहमा ने लिखा है कि मौला अली सरकार जंगा में अपने 16 पुत्रां या 17 नु गलदे आए, उस जंग में जाओ, उस जंग में जाओ, उथे जाओ, उथे जाओ, लेकिन हसन और हुसैन नु आप जंगा में ना गलदे। तो किसी ने कहा या अली आप हसन और हुसैन पाक दे बड़े हरीस हो, इन्हें नहीं वो गलदे किसी भी जंग में। पीर साहब तशरीफ लाए, जनाब ठीक हो, सेहत भी अच्छी माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। इन्हें आप मौला हसन नू और मौला हुसैन नू किसे जंग विच नहीं भेजते, और उन्होंने आप बाकियों नू भेजते हो। तो बड़ा खूबसूरत जुमला फरमाया
दूजे फकत मेरे बेटे ने। हसन हुसैन मेरे बेटे नहीं, ये नबी दे बेटे ने। अगर कोई बंदा लताफत नाल इस बात को समझ सकिया होवे तो उदे तक बात पहुंच गई। मौला अली फरमाते ने मेरे बेटे नहीं, ये नबी दे बेटे ने। और हुजूर खुद फरमा दे हादानी इब्नाया, ए हसन ते हुसैन मेरे बेटे ने। और एक मरतबा फिर अलग हदीस है मौला हसन दे बारे, उन्होंने हुजूर ने अपनी गोद च बिठाया, गोद च बिठा के तो फरमाया हादा इब्नी सैयदुल, मेरा ये बेटा हसन, इब्नी मेरा बेटा, मेरा बेटा। आपने इबन की निस्बत अपनी तरफ फरमाई कि मेरा बेटा हसन सैयद है। और मुतद्दद मकामात थे हुजूर ने इन्हां दी निस्बत अपनी तरफ फरमाई। और फिर जदों मुबाहला आया तो फिर ते कुरान दी नस आई कि लियोने बेटे ने नवासे नहीं, नवासियां दा लफ्ज कुरान च नहीं आया। कुरान च लफ्ज की आया है अपना, अपने बेटों को लाओ। ईसाइयां ने हजूर ते और बड़े इतराज किए होंगे, ये किस इतराज नहीं किया, आख्या है लियोने बेटे ने लियांदे नवासे जे, ये इतराज नहीं किसे किया। क्यों? उस दौर दे लोग ये समझते आए कि रसूलुल्लाह दी बेटी फातिमा दे बेटे रसूलुल्लाह दे बेटे। हजरात आपकी तवज्जो हो गई, माशाल्लाह मसला मजमून आप तक पहुंच रहा है। मैं बड़ा खुश हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे और फॉलो कर रहे। ए हसन और हुसैन पाक दी मारफत है और उनका एजाज है कि वो रसूलुल्लाह दे बेटे, और उनका एजाज है कि मौला अली की पुश्त क्यों रसूलुल्लाह दे बेटे। ऐसा होता है यदि एक मिसाल नहजुल बलागा में मौजूद है, इसकी एक मिसाल नहजुल बलागा के अंदर मौजूद है। जदों मौला अली ने अबू बकर सिद्दीक दी बेवा नाल अबू बकर सिद्दीक दे विसाल तो बाद निकाह फरमाया, मौला अली ने निकाह फरमाया तो उन्होंने बेटे अजे गोद विच सन मुहम्मद बिन अबू बकर। वो अपनी वालदा दे नाल ही मौला अली दे घर आ गए, उन्होंने फिर मौला अली पालिया और उन्होंने नाल मौला अली की मुहब्बत आलम सी। ते की आपने फरमाया, किसे पूछा भी ये कौन जे, ऐ जेड़ा लड़का है मुहम्मद कौन जे, तो मौला अली फरमाया मुहम्मद इब्नी मिन सुल्ब अबी बकर, ए नुतफा अबू बकर दा है, उनके पुत्र मेरा है। तवज्जो हुई आप हजरात, फरमाया कि ए नुतफा अबू बकर दा है। नुतफा उस चीज को कहते जिसे जो इंसान खलक होता है, इन्ना खलक नल इंसान मिन नुतफा ते नम शाज नबतली ही फजालना हु समी अबसीरा, ये कुराने का बात का लफ्ज नुतफा। बाद लोग इस गलत मानी हुसैन से यूज कर जाते, तो ये पुराने बात का लफ्ज है। ये उस चीज नू कहंदे ने जिदे जो इंसान नू अल्लाह पाक खलक करता है। तो मौला अली फरमाते मुहम्मद इब्नी, मुहम्मद मेरा बेटा है, मगर पुश्ते अबू बकर से है। इवें मेरे नबी फरमाते हसन और हुसैन मेरे बेटे मगर पुश्त अली दी। अजीजे मन मैं इदे उत्ते बड़ी तवील गुफ्तगू करता हूं कि बगैर मारफत तो, इंशाल्लाह मैं इदे उत्ते किसी नशिस्त गुफ्तगू करांगा कि बंदे मारफत ना हो। मसलन मैं किसी उस पिंड टुर जावा बस तो स्कूटर तो लैके टुर पवा, तो जेडे बंदे मैं मिलने उन्हें आखना कोई मौलवी साहब ने किसी मसीत इमाम मस्जिद ने ते आ गए बिस्मिल्लाह, मौलवी साहब कि लगे फिर ते जे कोई वह बंदा होया जेड़ा मैनू जानता हो
मैं एक बारी बैंक गया, जिहड़ा गार्ड सी उस मैनूं बाहर रोक दिता कि मौलवी साहब इत्थे खलो जाओ। मैं कहा भाई मैं अंदर जाना है, मैनूं काम है। उस आखिया जी बैंक का टाइम नहीं, बाहर। मेरे कोलों मैनेजर साहब का मोबाइल सी, मैं उन्होंने फोन किया, वो खुद बाहर आ गए, मैं लै गए अंदर। वो जिहड़ा कोई काम शामा उन्हें किया, जिसलिए असी बाहर आए तो उस गार्ड ने मैं सल्यूट किया। मैं गार्ड नाल गुस्से नहीं होया, गार्ड हो गए तो मैं भी हो ही हाँ, बदलिया सिर्फ तारो। गार्ड भी हो गए तो मैं भी, सिर्फ तारुफ बदल गया। जेड़े बंदे आले नबी नूं नहीं ना सही पूरी तरह मनदे, उन्हां नूं तारुफ नहीं आले नबी कौन है। तारुफ नहीं, और तारुफ किसे कराया नहीं। इसे तरह जो साहबा तो दूर ने उन्हां नूं भी तारुफ नहीं। साडा प्रॉब्लम की है, साडा प्रॉब्लम है वे इत्थे कोई नहीं, लेकिन अक्सर यही प्रॉब्लम है। कोई एक खतीब किसी जमात दे आउंदे ने ते ओ हालांकि मौजू होंदा है जिक्र आले मुहम्मद, लेकिन वो तकरीर उन्हां बंदियां नूं सुणांदे ने जिहड़े विच आए कोई नहीं होंदे। वो तकरीर उन्हां नूं सुणांदे ने जिहड़े तकरीर विच फलाणिया तेरी अंज गल, तो फलाणिया तू अंज किया, फलाणिया तू अंज क्यों करना है। वो तकरीर करके उन्होंने सुना के टुर जाते, जेडे आए कोई नहीं होंगे। तो कोई भी ढू नान दसदा भी अज साढ़े को मौलवी साहब आया, उन्हें थोड़ी बड़ी धूल पट्टी। वो आंदे खलो जा, परसों साडा भी आता। वो अजय मौलवी गड्डियों लाँदा है तो नाल होकर आंदे बई साढ़े नाले ना परसों चंकी नहीं की, तरह मंड के रखे। वो रोटी खाद्या भी कान च, वो गल चाह पियादा भी कान च, वो मिंबर ते लिया मौलवी का उन्हें पारा सौ तू तां कर छड़िया। ते उनवान की सी जिक्रे आले, उनवान महफल का की सी जिक्रे आले मुहम्मद। वो मौलवी साहब उन्होंने तकरीर सुनेंदे रहिंदे ने जिहड़े बंदे महफल विच, ते जिहड़ा मौजू सी और जिहड़ा उनवान सी वह तशना रह गया। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮਝਾਏ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਆਪ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਊਠਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੀਆਂ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਕੂਫੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦਾ ਫਿਤਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਾ ਯਾਦੁ ਬਿੱਲਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, आप समझ गए कि इन तारुफ कोई नहीं। हुण सरकार ने की फरमाया, आपने फरमाया बाबा कुरान पढ़ी, उस अच्छा पढ़िया है। इमाम सज्जाद फरमाते उहदे सूरत हामीम शूरा वह भी पढ़िया, उस अच्छा जी कुरान पढ़िया तो भी पढ़िए। आप फरमाते उहदे च एक आयत कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुरबा, यह आयत पढ़िया, उस अच्छा जी आयत भी पढ़िए। तो उस वेले मेरे इमाम ने फरमाया बाबा जिन्हां दे हक च ये आयत आई है वो असी हां। तारुफ कराया ना, अपना तारुफ करो। कोई गाल नहीं कड़ी, गाल दे बदले च तबर्रा नहीं कीता, बुरा नहीं आख्या, गुस्सा नहीं कीता, मत्थे ते वट नहीं पाया, की कीता है? अपना तारुफ कराया। भाई जेड़ा बंदा आले मुस्तफा तू दूर है उहदे नाल लड़ना भलिया, उन तारुफ उहनां दा करवा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਫ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਐ ਸਫਦਰ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ 10 ਮੁਹਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਡੀ ਕਿਹੜੀ ਚੱਜ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਰਫ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਰਫ ਸਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਜਦਾਂ ਦਾ, ਚਲੋ ਸੁਣ ਲਈਏ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਹੋ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਦੇਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ,
ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਕੀਲੇ ਸਾਹਿਬਾ, ਅੱਜ ਵਕੀਲੇ ਸਾਹਿਬਾ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁੜ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਸੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲੇ ਆਲੇ ਜ਼ਹਰਾ, ਵਕੀਲੇ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣਾ, ਇਲਾ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਕੀਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਕੀਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੁਲਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਆਖਣਾ, ਭਾਵੇਂ 302 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਢਾ ਛੱਡ ਸਾਂ ਫੀਸ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੀਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਸੀ ਦਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਫੀਸ ਲੈ ਆ। ਐਸਾ ਵਕੀਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਵਕੀਲ ਸੱਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਫਤ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਵੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੌਜੂ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਉਨਵਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰੇ ਸ਼ੁਹਦਾਏ। ਤੂੰ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਕਰੀਰ 'ਚ ਲਿਆ, ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਬਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰਫ ਕਰਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਤਾਂ ਉਤਾਂ ਲੱਗੇ ਫਿਰੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਸਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੁਕਾ ਦੇਣਾ, ਰੁਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ 2.5 ਘੰਟੇ ਤਕਰੀਰ ਉਸ ਰੁਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਸੱਦਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏ, ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏ, ਉਨਵਾਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡੀ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਭਾਈ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਤੋ ਖੂਬ ਤਾਰਫ ਕਰਾਓ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਨਵਾਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਓ, ਕਰੋ ਜ਼ਿਕਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੀ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰਫ ਉਹ ਕਰਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਹਜ਼ਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਦਰ ਹਬਾ ਫਰਮਾਇਆ, ਅਪਨਾ ਅਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਹਸਨ ਔਰ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਧਾਰ ਮੰਗੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ, ਹੈਣ ਜੋ ਨਬੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਭਾਈਆ ਕੋਈ ਹੈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਤਸੱਵਰ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੱਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹਸਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਤੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੈਯਦਾ ਫਾਤਿਮਾ ਜ਼ਹਰਾ ਨੇ ਔਰ ਸੈਯਦਾ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਲਾ ਮੁਰਤਦਾ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਸਦਨੇ ਆ। ਤਵੱਜੋ ਹੋਈ ਆਪ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਦਨੇ ਆ, 5 ਤਨ ਪਾਕ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੇ ਮਨੀ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਸੀ ਮੁਬਾਹਲਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੋ ਈਸਾਈ ਨਸੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੂ ਰਿਆਇਆ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਨੀਦਾ ਬੰਦੇ ਵੱਲ ਵੱਲ ਬੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਬਰਾ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਆਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਤੱਕਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 5 ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹਤਰਮ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਾ ਫਕੀਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ 5 ਤਨ ਪਾਕ ਵੇਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਬਦਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਬਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਈ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਾਂ ਚੋਂ, 5 ਦੇ ਸਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ,
मैंने यकीन हो गया है जी, दुआ करन अल्लाह सुनया है पहाड़ इथों जा के उथे रख ते अल्लाह पहाड़ हला के इते ते इते रख छने तुसी की चीज हो मुबाला ना करया जी। भाई मेरे मेरी बात ही समझ आ रही है। अल्लाह अल्लाह आपनों बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपनों खैर अता फरमाए। लो गल सुनया जी बड़ी गौर नाल और बड़े बारीक ज़हन नाल, इंशाल्लाह मैं पूरी करबला का पूरा वाकया भी बयान करांगा अपने आखिरी दिन जो होना है ना वी दा, उतनी देर तक सारा वाकया पूरा बयान कर देंगे, आप परेशान नहीं होना। लेकिन ये तारुफ आले मोहम्मद भी नाल होना चाहिए। उसने की किया, उसने कहा कि इन्हां नाल अगर तुसी लड़े, हदीस शरीफ विच लफ्ज ने, तो दुनिया उत्ते कोई ईसाई बाकी नहीं रहेगा। ये मेरी गल नहीं, वो बंदा ईसाइयों का पादरी थी पर उस गल बड़ी चुटके कीती है कि असल च उस दस्या है कि जेड़ा नबी दी आल नाल लड़े दुनिया ते उदी नस्ल बाकी नहीं रहिंदी। अज पूरी दुनिया फिर लो, हुसैन दे पुत्र तो नजर आउणगे, कोई यजीद दा भी नजर आउंदा नहीं। आखिर सियाने बंदे भावे ईसाई है, गल ओह सियाणी कीती, उसने कहा जे इहनां नाल लड़े होए ते ईसाई बाकी नहीं रहना। इहदा मतलब है जेड़ा रसूलुल्लाह दी आल नाल दुश्मनी करे अल्लाह उहदा नामो निशान मिटा दे, उहदी नस्ल खत्म हो जांदी है जेड़ा हजूर दी आल नाल लड़े। हजरात आपको मसला दी समझ आ गई, बात आप तक पहुंच गई माशाल्लाह। ए पंज तन पाक और साडे अकीदे विच चीज शामिल है, बड़ा मारूफ जिहा एक जुमला मेरे सामने आ गया, मैं वह तुहानू पढ़ के सुना देना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरा ईमान और मेरा अकीदा जिंदा पंज तन नाल है, प्यार नहीं जिंदा पंज तन नाल है। अच्छा एक मैं पिछले साल दी तकरीर दे पहली नशिस्त च एक जुमला बोलिया, पहली नशिस्त उन्हूं दोहरा रहा है, फिर पढ़ना नाल रेफरेंस भी दे रहा, मैं पिछले साल पहली तकरीर च मैं लफ्ज बोलिया था क्या कि जिहड़ा शिमर है वह 16 हजां कीतियां, हाफजे कुरान है, पांच वेले का नमाजी है, तहज्जुद गुजार भी है, छे हो गए, दाढ़ी भी रखी, कुरान का भी हाफज है, लानती क्यों है? तवज्जो है हजरात के, कोई इतनी है कि वो नमाजा रोजे बड़ा वो बंदा सी, बल्कि मैं उदे पढ़ रहा सा कि उदे ये जो काबा शरीफ का गिलाफ फड़ के दुआवा करता थी तो बंदे खलो के सुनते आए भी बड़ी दुआ करता है और बड़ा ये आहोजारी करता है। और नाल ये भी नोट कर लो, ये जंगे सफीने च मौला अली दे नाल सी, जंगे सफीन विच ये मौला अली दे नाल सी, जमल च भी नाल सी, तो जितना चिर नाल रहा उन्हें अज भी तो करता नमाजी भी। हाँ ऐ फर्क है जरा समझ ले, जेड़ा अली दे नाल है उन हाजी नमाजी ते कारी आख्या जाएगा, जिदे अंदरों अली निकल जाए उन सिर्फ लानती आख्या जाएगा। भाई तवज्जो ही, मैं नहीं ये कह रहा, मेरे हुजूर ने फरमाया ला युहिब्बु अलियन इल्ला मुमिनुन, अली नाल मोहब्बत फकत मोमन करता है। तवज्जो होगी आप, ए अजीजा ने मन ता मेरे अजीज में आना जिंदा पंज तन नाल है, प्यार नहीं ओदे कलमे दा इतबार नहीं जिंदा पंज तन नाल जी मेरे अजीज जिंदा पंज तन नाल।
प्यार नहीं ओदे कलमे दा इतबार नहीं लख नफल नमाज़ा पढ़ भावे लख लम्मे सजदे कर भावे जे तू आले नबी दा मुनकर है तेरा बेड़ा होना पार नहीं जिंदा पंज तन नाल प्यार नहीं जिंदा पंज तन नाल हजरत कलमा यही होता जिदे को पंज तन पाक नमाज होती है जिदे को पंज तन पाक भाई आपने इमाम शाफई का नाम सुने होना इमाम शाफई अहले सुन्नत दे बहुत बड़े इमाम ने फिक दे बहुत बड़े फिका दे इमाम ने इमाम शाफई और ये भी एक जुमला सुन लो इमाम शाफई इमाम अहमद हम्बल इमाम मालिक और इमाम आजम अबू हनीफा चार इमाम ने अहले सुन्नत दे फिक दे इमाम ने यानी फिका दे चार इमाम ने भाई तवज्जो है इन्हां चों सब तो बड़े इमाम ने इमाम आजम अबू हनीफा बाकी तीन इन्हां दे फैज याफ्ता ने इन्हां दे बिल वास्ता या बिला वास्ता शागिर्द ने बाकी तीन इमाम आजम दे शागिर्द ने यानी सुनिया दे त्रै इमाम फिक दे इमाम ने तसव्वुफ दे इमाम साढ़े इमाम मौला अली तो लैके तो इमाम हसन अस्करी तक इमाम ने अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो है कोई सुन्नी ऐसा नहीं हो सकता जेड़ा इन्हां अपना इमाम ना मनदा असी ते इन्हां नूं इमाम मन्निया तो उत्थे बड़े वड्डे इमाम भाजी समझ आई है कि कोई नहीं गल असी सुन्नी ते बड़े फराख दे लोग हां जी हजूर दी बल्कि मैं ये जुमला अक्सर बोलता हूं ना कि असी इमामे हुसैन दिया पुत्रां नूं इमाम मन्निया इमामे हसन दिया पुत्रां नूं इमाम मन्निया असी तो गाजी अब्बास नूं इमाम मन्निया गाजी अब्बास वफा दे इमाम ने दुनिया वफा दी जाच सीखे अब्बास पाक तो दुनिया बिरावां नूं मन्नण दी जाच सीखे अब्बास तो कि वड्डे बिरां नूं मन्नणा किवें हुंदा है दुनिया सादात नूं मन्नण दी जाच सीखे हजरत अब्बास तो वफा दी जाच सीखे हजरत अब्बास तो गाजी अब्बास वफा दे इमाम ने हुण ए रमज दी गल है त्रै इमाम चौथे इमाम दे शागिर्द ने ते चौथे इमाम इमाम जाफर सादक दे शागिर्द ने आपकी तवज्जो हुई कि ना हुई यानी नबी पाक इलम दे शहर ते अली उस दे दरवाजे मौला अली पाक को फैज आया मौला हुसैन पाक को हसन पाक को हुसैन पाक ते हुसैन पाक सरकार को हजरत इमाम जैनुल आबिदीन पाक को इमाम जैनुल आबिदीन को इमाम मोहम्मद बाकर को इमाम मोहम्मद बाकर को इमाम जाफर सादक को इमाम जाफर सादक तो सुनिया को जेड़ा सुनिया ने ना मेरे को इमाम जाफर सादक का फैज नहीं वो सुनी नहीं सारा फैज है ही रसूलुल्लाह दे घराने दा और कितू आया फैज तुहाडे कोल सारा फैज रसूलुल्लाह दे घर दा दीन हजूर दे घर आया किसे और घर ते नहीं ना बाजी आया लिहाजा दीन लेना होवे तो बाजी उत्थों लवो जिथों दीन आया है बाती समझ आ सुन्नी ज़हन दे अंदर बिठा लो साडी फिक कोई किसे बंदे दी फिक नहीं ए फिक मौला अली दी फिक ए दीन मौला अली सरकार दा है असी मौला अली दे नौकर ते उन्हां दे बंदा डाले एवें बंदियां फिर अपनी अपनी रोजी रोटी वास्ते विच लैणा बणाईआं ते चलो इह वी चंगीआं हुंदीआं ने अगां बणीआं रहिण आहो फिर इंज कहणा समझ आई
वो फिर बिच लैंड ना हो स्वाद नहीं ना आता वाह किला तेरा है त्या किला मेरा है इनू फिर वित्त असं बना लें चलो हाँ तो ठीक है पर आजली तू कटनी है आजली मैं बढ़ समझ आई वह को रमत गल समझा करो यार बस बस तुम पढ़ लो तो इतू अस पढ़ लो समझ आ गया हाँ जी इंजी गल तवज्जो करो मेरे सारा फैज मौला अली सरकार दे घर दा इहदे च मेरी ते तुहाडी गल ही कोई नहीं हजूर ने फरमाया मैं इलम दा शहर हाँ ते अली उस दे लिहाजा चोर तो इलावा मैं समझ आई है कि नहीं चोर सन ला लेंगे चोर सन भी ला लेंगे चोरां दा पता नहीं ते सीधे मुंह जिस भी लेना है उस बूहे ते ही आना है ते जिस बूहे ते आना है उस अली ने मनना है ते ता अंदरों खैर देना है देखो ना एक बंदा आंदा मैं खैर लेना है तो खलो पिछोड़े रहा है हूं डींदा है उन्हें आखना मर जानी दे लेना ही ते बूहे ते हो वो आंदा साडी बूहे नाल सात ही कवंजा है तू आंदा फिर किसी होर बूहे ते हो फिर बूहे ते आना पौना है अदा समझ आई ना जिंदी बूहे सत एक वजह है दरवाजे न लड़े है उस दरवाजे ते आना नहीं तो जिस दरवाजे ते आना नहीं उन खैर ए बंदा फकीर दा मैं वैसे बकायदा शायरी नहीं करता हूंगा लेकिन मैं कभी कभी लिखता रहना वो फिर बच्चे सुनते रहते मैं अक्सर अपना लिखा कलाम भी पढ़ता रहना यह मैं खुद लिखा लम ए, ए, बंदा फकीर का ख्याल है और मैं इंशाल्लाह अकीदा रखना कि मैं कबर च भी इंजी आखा तो इंशाल्लाह हशर च भी इंजी आखा क्या कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अकीदा मेरा ईमान है मुर्शिद मेरा अली मौला मेरा अली मुर्शिद मेरा मुर्शिद मेरा अली मौला और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया इस्लाम के अंदर जितने आप शूट्स ने मुसलमाना दे सिर्फ सूफी ने जेड़े मौला अली दे मुरीद मैं अपने मुर्शद का मुरीद हाँ मेरा मुर्शद अपने मुर्शद है और आखिरी मुर्शद साढ़े मौला अली है जेडे बच्चे मेरे हाथ च हथ दे गए ना या सैयद कैसर शाह और हाथ च हथ दिते इन्होंने हाथ च हथ कोई नहीं ये तो बिच कड़िया हुई हथ साढ़े मौला अली के हाथ च ने हजरात आपको समझ आई कोई ना और ये बैत होंगी भला की ये भी सुन लो शायद किसी बंदे नूं इह समझ ना होवे बै की बैत करदे हो तेरी वजाहत सुन लो पहले नंबर ते बैत करने आ के जेड़े अगे जुर्म कीते नूं उहदी तौबा है अगू नहीं करना ठीक है मुड़ बैत करने आ कि अगर साडे जिउंदिआं अली दा पुत्तर आ गया नहीं समझ आई मैं की आखिया अगर साडे जिउंदिआं अली दा पुत्तर जिहदा नाम महदी आखरु जमान होना है अगर साडी जिंदगी जाहिरी विच आ गया ते बैत इस गल दी है उहदे नाल खलोवांगे इहदी बैत जदों ना आउणा है बंदिआं उदू बैत करनी है करनी नहीं लो जी साडी वी बैत करो असीं तुहाडे नाल उह ना आ के करनी है असीं ते कीती बैठे आ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अच्छा वैसे नाराज ना होना मैं डल आना ते मुड़ मैं मुरीदा ले आना जेड़े अजे हुए नहीं उन नाल ते मुड़ बाद जासा ना जदों उन्हें आख्या बासी भी होना है साडे अल भी आओ पैणा तो उदे ही आना ना जेड़े अगे हुए बैठे जो माती पाक भी आए उन्हें मुड़ उत्ते ही पैणा तो आना है ना जेड़े अगे हुए बैठे हैं समझ आई
ਪਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅੰਜ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਨਾਬ ਆ ਜਨਾਬ ਬੈਤ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਜਦੂ ਆਓ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਮਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਨਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਕੀਦਾ ਏ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਫਰਮਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਨ ਮੁਸਤਫਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਰਾ ਅਲੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੇਰਾ ਅਲੀ ਮੌਲਾ ਅਸਗਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ, ਅਲੀ ਔਸਤ, ਤਵਜੋ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਅਲੀ। ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਕਿਤਨੇ ਆਏ? ਉਂਝ ਜਿਤਨੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲੀ ਆਏ, ਜਿਤਨੇ ਪੋਤਰੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਇਸਮ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਤ੍ਰੈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਬਲਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਲੀ। ਰੁਤਬਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਯਦ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸੈਨੀ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਅਲੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਸੱਜਾਦ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਜਾਫਰ ਸਾਦਕ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਇਮਾ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸੇ ਨਫੂਸ ਕੁਦਸੀ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਆਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਅਲੀ ਅਕਬਰ। ਭਾਈਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾ ਦਾ ਅੱਬੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਪ ਸਲਾਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਪ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਤੋ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਹਜ਼ਰਾਤ? ਜ਼ਰਾ ਕਰਬਲਾ ਚਲੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜ਼ਰਾ ਕਰਬਲਾ ਚਲੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਬਲਾ ਚਲੀਏ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਔਰ ਅਕੀਦਤ ਆਏਗੀ ਔਰ ਲੁਤਫ ਆਏਗਾ ਔਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਰਬਲਾ ਚਲੀਏ। ਅਲੀ ਅਕਬਰ, ਇਹ ਉਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਆਉਣਾ
ते जिन्ना लोगां नूं रसूलुल्लाह दे चेहरे दी ज़ियारत होई है या जिन्ना रसूलुल्लाह दे चेहरे दे बारे सुनिया हा वह बार गली च खलो जांदे है कि जिन्ना रसूलुल्लाह दी ज़ियारत नहीं कीती वह अली अकबर की ज़ियारत करो इन्हां दा चेहरा रसूलुल्लाह नाल मिलदा है। आपनूं समझ आया? और जिंदा चेहरा मेरे नबी नाल मिलदा होवे उहदे हुस्न ते गुफ्तगु करने की मजीद जरूरत क्या है? जिदा चेहरा मेरे नबी नाल रलदा होवे उहदे चेहरे ते होर गुफ्तगु इस तों की करिए कि उहदा चेहरा हजूर नाल मिलदा है। ऐ गिरामी कदर अहबाब, हजरत शाहजादा अली अकबर, ए ओ अली अकबर ने अल्लाह अकबर जिहड़ी इन्हां दी मैं ने ना, जिन्हां दा नाम सी फातिमा सूरा, जिहड़ियां मदीने रह गईयां सी, उन्हां दी वालदा बचपन च फौत हो गईयां सी, उन्हां दी वालदा बचपने विच फौत हो गईयां सन, ते अली अकबर फिर उन्हां नूं खिलांदे आ, अपनी भैन नूं फिर खिलांदे आ वो उहदे च बिठा के, ते उन्हां दा प्यार इन्ना ज़्यादा हो गया सी कि जदों अली अकबर पाक ने घरों निकलन लगा ना, ए जुमला गौर नाल सुन लेना क्योंकि ये फिर बाद विच मैं दोबारा रिपीट करना, जब अली अकबर ने घरों निकलन लगना वैसे ही तो इन्हें दामन पकड़ लेना इस बैन ने, भैया किरे चलो बैन में फुला जगह पे चलना, अच्छा जल्दी आ गया, अच्छा मैं आवांगा जल्दी, जिन्ना चिर विरा घर ना आना बैन उड़ीक दया रहा हजरात तवज्जो है थोड़ी, मैं कामिल तवज्जो चाहना ना, फिर मैं गल ते शुरू की थी, ये तो समझ आ जाए तवज्जो चाहना। और अगर पूरे घर में कोई गल ना मनने हा सुगरा पाक बचपने में कोई बात ऐसी हो जी आप ना तस्लीम करना, तो फिर सारे आते सन के अली अकबर नु आखो, ये बैन नु आखे, जिहड़ी अकबर आखे वह नहीं मोड़ती। अच्छा ये मिजाज सी घर में, एक घर में मुहब्बत सी और आपस में एक घर में प्यार सी। छह महीने गुजर गए सन, अली अकबर नू करबला आया, तो जदों टुरन लगे आए उदू आदत के मुताबक भैन मुड़ दामन फड़ लिया, भरा छेती आया जी, फरमा अच्छा भैन मैं छेती आवा, भाई तुसी मैं लै जाओ मैं लै जा सा, किसे दी नाए बंदे कि मैं रुकना है, जदों अकबर आखे है तो वादा कीता है रुक, लेकिन जिथू फिरा टुरिया ना उस कदमा दे निशान ते लकीर मार ली, कदमा दे निशान ते लायन मार ली कि इत्थे खलो के विरा वादा कीता है ते उत्थे निशान कदम दे बन गए, विरा आ गया। भैणा दा प्यार कोई इंज नहीं होंदा, भैणा का बिरावान प्यार इंज तो ही होंगे जिन्हों का होंगे, करबला आ गए। किताबों में लिखा है कि ऐ दोवें हाथ इत्थे रख के ना इत्थे रख के, ते मत्था मेरे इमाम ने इत्थे रखे और सर झुका के बैठे सन करबला विच, लश्करे यजीद विच आवाज आई हाल में मुबादिर है कोई जड़ा लड़े मेरे साडे नाल, हुण हुसैन कोई है ही ते होर लिया, मेरे हुसैन ने फरमाया हाल में नासिर अनसुरुना, कौन है जड़ा हुसैन दी मदद करे? मुअज्जज हजरात, इमाम पाक इस तरह तशरीफ फरमा ने किताबा में जैसा लिखा है, तो आवाज आई सलाम बाबा, मेरे इमाम ने नजर उठाई तो पुत्र नो जंगी लिबास वेखिया, अली अकबर नो जंगी लिबास वेखिया, तो फरमाया पुत्र ये किस लिबास? बाबा मैं इजाजत चाहना। फरमाया नहीं पुत्र, मैं तेनों नहीं जान देना, तेनों अगर इजाजत देनी है तो तेरी फूफी ज़ैनब देनी है, क्योंकि तू ओदा पुत्र है, उन्दे नाल तू इजाजत उहदे कोल लेनी। फूफी भुल गए तो सैयदा ज़ैनब आलिया शरीकतुल हुसैन सानिए ज़हरा
कायनात दियां सारियां भैणां वास्ते मशाले राह, जितनियां कायनात दियां भैणां उन्हें अगर सीखना होवे बिरावां नाल किवें रही रहे तो सईदा जैनब पाक को सीख। जैनब पाक करबला दी उस अजीम खातून का नाम है जिन्हें करबला का लोगों को तारुफ करवाया। हुण मीडिया तारुफ करांदा है ना, मीडिया तारुफ कराई दे फलां चीज का तारुफ कराओ, हुसैन पाक दी करबला दी शहादत दा तारुफ कायनात जिस शख्सियत ने करवाया है उदा नाम सैयदा ज़ैनब है। फरमाया भिरा इस अली अकबर दा सदका करके मैं दो पुत्र दे छड़े, हुण अली अकबर मेरा रह गया। तो हुसैन पाक ने फरमाया बहन तेरा भी पुत्र है मेरा भी पुत्र है, लेकिन मशीयत इलाही होए कि अकबर भी जाए, वरना लोग कहेंगे हुसैन ने अपने पुत्र नु बचा लिया जेड़ा सोना हा, ते दूजियां दे पुत्र कुर्बान हो गए। मुअर्रिख ए ना लिखे जे इश्क दे मैदान च मेरा जवान पुत्र भी चाहिदा होवे ते मैं देंगा, पर नाने दा दीन रह जाए। मेरे मौला हुसैन सरकार आप खुद पुत्र नु तैयार कीता है, एक पासे बहन खलोती है ते एक पासे विरा खड़ा होया है। भाई मैं तवज्जो चाहता ऐ अजीजा ने मन, एक पासे बहन खड़ी है एक पासे विरा, पुत्र नु सवार कराया। ये कोई समझ सके ते अर्ज करना, मेरे मौला हुसैन ने ना मुंह फेरिया है ना खेमिया विच गए, बल्कि उसे साथ खलो के अपने पुत्र दी कंड वेंदे रहे ने। भैन ते फिरा खलोते रहे, अली अकबर गए जदू करबला दे मैदान च, तो आपने फरमाया है कोई कूफी जड़ा अली दे पुत्र नाल लड़े, किसे माई दे लाल दी जुरत नहीं आई अली दे पुत्र दे सामने आए। आवाज इपने साथ दी आई है कोई ना लड़े ना कोई लड़ सकेगा, इनू छोटा ना समझिया जे ए अली दा पुत्र है अली दा पोतरा है, आओ सारे इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हमला करो। अकबर की हमला होया, ए अजीजा ने मोहतरम मेरे अली दे लाल अली अकबर नु मौला हुसैन दे पुत्र नु हमलिया दे अंदर कोई पत्थर मार रहा है, कोई तीर मार दा है, कोई तलवार मार दा है, कोई नेजे दे जख्म देंदा है। अली अकबर पाक झुकदे झुकदे जदू घोड़े दी जीन वल हो गए, एक जालिम तारीख दे अंदर मुख्तलिफ नाम ने, सनान बिन अनस दा नाम नहीं मिलदा है, उस जालिम ने बरछी मारी है जवान अली अकबर दे सीने च पार हो गई। सरकार जदू सवारी तो थले तशरीफ लियाउण लगे ते मुंह मुबारक चो इको आवाज निकली है बाबा एक वारी दीदार कराओ। हजरत मोहतरम अगर किसी दे जिगर च दर्द होवे किसी नु जुमला डाढ़ा लगे ते माफ करना, पर किताबां विच जे लिखिया है जदों मेरे मौला हुसैन आए जेड़ी जात अकबर दी आवाज आई है उत्थे घोड़ियां दी भीड़ आई, कदी घोड़े इंज दौड़दे आए कदी घोड़े इंज दौड़दे आए, घोड़े दे कदमां च आवाज आउंदी आई बाबा जल्दी आओ तेरे अकबर दा आखरी वेला है। जदों मेरे इमाम ने वेख्या कि फातिमा दे बाग दा फुल कूफे दे शरीरां दे कदमां थले बामाल हो रहा है, मेरे हुसैन बादशाह ने तलवार कढ़ी है अली दे मन, और जदों ललकारिया
गुफिया ने घोड़े हटाए वेख्या अद्धा वजूद करबला दी रेत चे अद्धा रेत दोबारे बरछी सीने विच तराजू होई है मेरे हुसैन ने पुत्र जाके गोद च रखिया अपने पुत्रा नु खिडाण वाले अपने जवान पुत्रा नु वेख के मुड़ जवान होण वाले जो मेरे हुसैन ने अपनी 22 साल की मेहनत गोद च रखिए जुल्फा चू खाक हटाइए चेहरे तू गर्द हटाया है नूरानी चेहरा जाहिर होया है अकबर ने बाबे दिया नजरा नल नजरा मिलाईया ने हजरत मोहतरम माफ कर देना अगर समझ ना सको थे लेकिन गल इनी दर्दनाक है 22 साल दे पुत्र दी परछीनो 56 साल दे बाप ने हाथ पाया जोर लाया पर बरछी हिली नहीं मेरे मौला ने दोवें हत्थां नाल जदों बरछी खिंची है कदों कोई कली बरछी बाहर आई है जवान अली अकबर दा जिगर भी टुकड़े हो गया मेरे मौला ने पुत्र दे सीने ते हाथ रखिया है अली अकबर ने बाबे वेखिया है मुस्कराए ने हुसैन फरमान ने अकबर तेरी मुस्कराहट तू सदके पुत्र दर्द नहीं हुई फरमान ने बाबा मैं साबिर हुसैन दा पुत्रा परछी दी दर्द दी खैर पर मदीने आली भेण दी जुदाई दा दर्द खाई जा रहा है हुसैन फरमान ने अकबर बेटा वो अपना वादा निभा वो अपना निभाएगी अली अकबर फरमाते ने बाबा तो वो कदाई मामे औलिया दा सुल्तान इको आखरी ख्वाहिश है एक बारी मदीने आली फेर दा दीदार करा मदीने दा शहर सैयदां दी गली है अम्मा जहरा दा हुजरा हुजरे दे अंदर एक परदादार खातून जेड़ी ओस जात खलोती हुई है जिथे खलो के फिरा वादा कीता खलो के वीरा जेड़ी पिछली रात गुजरी है मैनू एक बड़ा अजीब ख्वाब है मैं भुफी लैन बनू जंगल दे अंदर कल्या रोंदिया वेख्या है मैनू कट्टे गले वालियां लाशां नजर आईयां ने वीरा मैं रात दी परेशान अल्लाह अकबर फरमाउंदियां ने राती सुत्यां मैनू नींद दे आलम दे अंदर मेरा एक ख्वाब आई है रात का दिल बड़ा परेशान है साडे पंजाबी वाले बंदियां दे आंदरां नूं छेक आउंदा है असीं पंजाबी वाले आंदे आ शायद कोई ऐसा ही रूहानी अमला जो भैण मदीने खलो के आंदी है करबला दी लोर तो बाद दा वेला है भैणा दी पई है राती सुत्या मैनू ख्वाब एक आई रोंदी डिठी जगली मजारा दी जाई वीरा रात नो बड़ा परेशान कौन ख्वाब तकिया है अल्लाह अकबर मैं रात ही परेशान अकबर भी रात
तेरे तू पिछे परदेसी गए ने वाले आए ने रोल पंछी उड़ते ने शाम नू वापस आते फिरा अकबर तू क्यों नहीं आया सब परदेसी पत्नी आए तू भी अकबर मोड़ मुहारा सब परदेसी पत्नी आए तू भी अकबर मोड़ मुहारा वादा करके मादिया जाया मेरी अल्ले आया सारा अगर किसी ने घर च कोई इो जहा मंदिर हो तो शायद उन्हें समझ आ जाए या किसी के रिश्तेदार मंदिर नजर आ जाए किसी भैन का बिरा परदेस गया होवे कदी बिरा फोन चकरे फिर घर वाले गल्लां करदे ने कदी कोई गल करदा है कदी कोई गल करदा है भरजाइयां गल्लां करदियां बिरा गल करदे पुछे भैन बिरा तो रिश्तेदार तो मैं बार होना कोई चीज मंगवानी जे कोई किसे चीज की फरमाइश कर दे कोई किसे चीज की फरमाइश कर दे कदी फिरा परदेसन भैन तू जा पूछे परदेसी फिरा जा पूछे भैना कुछ चीज मंगवानी भैन चीज नहीं मंगदी आती है दुखिया भैन दा फिरा एक बारी मुड़िया बड़े साल लग गए अजीदा ने मन हुसैन लजपाल दी थी इनी करबला दी रेत टिबिया मुंह करके आती है फिरा अली अकबर शाबान गुजरिया रमजान गुजरिया शवाल गुजरिया जी काद गुजरिया जुलहज गुजरिया हुण मुहर्रम दे नौ दिन गुजर गए ने दीख लो के फरमा दिए फिरा अज दौर वेले हवा चलिए तेरे कदमां दे निशान मिटा गईए मेरा दिल परेशान मिट गए कदम निशान वे वीरा मिट गए कदम निशान वे वीरा मेरिया अखियां लाया सावर डीकर वेले कुड़िया जदों अपने अपने वीर खिड़ावर समझ फिरावा मोई मैनू मैथों अपने वीर लुका वकार हमीद बिन मुस्लिम उस सिपाही का नाम जेड़ा कहता है मैं करबला मौजूद हाँ मैं मंदर खनाल तक आए 56 साल का बूढ़ा हाँ इन्हें 22 साल के जवान सीने नड़ लाया कोई है जेड़ा इस चीज नु समझे गले विच बाहवां पाईयां आईयां गले विच बाहवां पाईयां आईयां जवान दियां सीने नाल सीना जवान दियां बाहवां गले विच आईयां बुजुर्ग दियां बाहवां छाती दे चार चुफेर आईयां पर उस 56 साल दे बूढ़े कोलों जवान सारा ना पिया उठदा पर उस बूढ़े दी हिम्मत ने सीने नाल ला के पता नहीं किन्नी बारी रुकिया है पर पुत्र ने पैर जमीन तू नहीं उठे अली अकबर दे कदम जमीन ते लग दिया है
मक्तल का तुले के शहादत का तुले के खेमिया तक निशान पैसे आए ऐ अजीजा ने मोहतरम करबला विच रखिया है शहादतां ते पहले भी होइया ने पर कोई शहादत अजीब एक पासे माए एक पासे ज़ैनब आलिया ने एक पासे चार साल दी भेण क्या क्यामत खेस मंजर है जदू फुफी भतीजे दिया ज़ुल्फ़ां फड़ के आंदी है वफादार भतीजा बोल ते सही मैं जुमला ज़ुल्फ सजीर तेरी मैनू अपने पुत्र नहीं याद रहने अकबर भुलनी नहीं तस्वीर दे करबला दा कोई मंजर ऐसा है करबला दा कोई माहौल ऐसा है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तो अगे कल चलांगे अल्लाह करीम आप सब दी हाजरी कबूल फरमा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबत सलात व सलाम अला सय्यदिल अंबिया मेरे मौला सब संगियां दी हाजरी कबूल बीमारां नूं सेहत अता फरमा भुखियां नूं रिज़्क़ अता या मौला जितने भी करबला वालियां दा जिक्र सुनन आए ने हजूर दी आल दा सदका रसूलुल्लाह दे साहब दा सदका सब दी हाजरी कबूल फरमा मेरे मौला करम फरमा रहमत फरमा दीन ते दुनिया दी कामयाबियां और कामरानियां नसीब या मौला अपने महबूब दा सदका राजी हो जा और दीनो दुनिया दी बरकतां अता कर दे खैर कर दे करम कर दे रहमत कर दे करबला दे बीमार दा सदका बीमारां नूं सेहत दे मौला हुसैन दे बेटियां दा सदका जिन्हां कोल औलाद नहीं उन्हां नूं औलाद दे हुसैन पाक दियां बच्चियां दा सदका जिन्हां कोल शर्म हया नहीं उन्हां शर्म हया दे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या मौला आ जिहड़े साडे मेज़बान ने लंगर पकांदे ने लंगर खिलांदे ने इंतजाम करदे ने इतमाम करदे ने इन्हां हासदां दे हसद तों शरीरां दे शर तों और नदरे बद तों बचा इन्हां ते अपनी रहमत नादल कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।